नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामायण डायरेक्ट बैंकिंग YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने इस YouTube चैनल माध्यम से लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ, जो आपके लिए समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अपने CSP पोर्टल पर लगातार आए दिन कोई ना कोई अपडेट चलता ही रहता है, कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं, जिससे कि CSP पे जो कस्टमर को वो बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके। और ग्राहक की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक लगातार अपने पोर्टल पर कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। और इसी चेंजेस में अब की बार जो चेंजेस किया है वो आपके माइक्रो ATM के बारे में है, कि अगर अभी तक क्या होता था, हम किसी भी कोई भी कस्टमर आता था अपना ATM से विड्रॉल करने के लिए हमारे पास, तो हम उसका ATM से विड्रॉल कर देते, किसी भी बैंक का वो आता था, स्टेट बैंक के अदर बैंक का, तो हम उनका सिंपल सा माइक्रो ATM के जरिए से उनका विड्रॉल कर देते थे। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, उनका बैलेंस शो वहाँ पे नहीं होता था। जी हाँ, उनका बैलेंस उसका जो विड्रॉल करते थे, विड्रॉल करने के बाद उनका जो अवेलेबल बैलेंस होता है वो नहीं पता चलता। ऐसे में काफ़ी समस्या आती है ग्राहक को, क्योंकि वो कभी कभी ग्राहक परेशान हो जाता है कि हमने जो पैसे निकाले तो हमारा अवेलेबल बैलेंस कितना है, वो अपना जानना चाहता है कि हमने अपने इतना पैसा अमाउंट डेबिट किया है, उसके बाद हमारा बैलेंस कितना बचा है, और वो हम वहाँ पे नहीं बता पाते क्योंकि वहाँ पे लिख के नहीं आता है जिससे कि उसको बैलेंस हम बता सके। तो इससे कस्टमर परेशान होता है। और इसी की सहूलियत को देखते हुए स्टेट बैंक ने यहाँ पर एक अपडेट किया हुआ है, और वो अपडेट यही है कि अब जो है कोई भी किसी भी बैंक का अगर कस्टमर आता है ATM लेके और ATM से वो विड्रॉल करता है तो अब विड्रॉल के साथ साथ उसका जो अवेलेबल बैलेंस रह जाता है, शेष बैलेंस रह जाता है, वो भी अब वहाँ पे शो करेगा। जी हाँ, अभी तक जो अवेलेबल बैलेंस उसका शो नहीं करता था कि पैसा निकालने के बाद उसका कितना पैसा बचा, वो अब वहाँ पे शो करेगा, जिससे कि हम कस्टमर को बता सकेंगे कि आपने इतने रुपये का विड्रॉल किया है और इसके बाद आपका जो बैलेंस है इस अकाउंट में इतना शेष रह गया, जिससे कि कस्टमर को इससे काफ़ी तसल्ली मिलेगी, साथ में उसको हमारे CSP पे भरोसा भी बढ़ेगा। तो ऐसे में ये अपडेट बहुत अच्छा है स्टेट बैंक की तरफ से, इससे कस्टमर भी की भी प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी और हमें भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे। इसी तरीके से आधार कार्ड से भी अगर कोई ग्राहक हमारे यहाँ पैसे निकालने आता है तो उस पर भी बैलेंस इंक्वायरी लास्ट में दे देता है कि उससे पैसे निकालने के बाद इतना बैलेंस शेष बचता है। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बैलेंस निकालने के बाद हर किसी की उत्सुकता रहती है ग्राहक की, कि वो अपना ग्राहक पैसा जरूर पूछता है कि हमने इतना पैसा विड्रॉल कर लिया है या हमारे खाते में कितना पैसा रह गया है। अगर बैंक के द्वारा या हमारे CSP पोर्टल के द्वारा उनको बता दिया जाता है कि आपने इतने रुपये का पैसा डेबिट किया है और आपके अकाउंट में इतना पैसा रह गया, इससे कस्टमर को काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो ये मेरी नज़र में बहुत अच्छा अपडेट है। आपको कैसा अपडेट लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।